में आए, हमने तब से लेकर अब तक महिला उत्थान के लिए विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए। इस सदन में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाने की बात हुई, इस सदन में महिला को किस प्रकार से घर दिलवाया उसकी बात हुई, लेकिन महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एकमात्र टर्म से संबंधित, योजना से संबंधित संकल्प नहीं। जब से उन्हें भारतीय राजनीति में राष्ट्र की, प्रदेश की अपनी सेवा करने का मौका मिला, तब से उन्होंने कहा कि मातृशक्ति गवर्नेंस का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के माध्यम से प्रदेश और देश विकसित हो जाएगा। उसके आपके सामने दो तीन उदाहरण रखना चाहती हूं। एक, साल 2006 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने जेंडर इक्विटी की पॉलिसी बनाई, लेकिन मात्र पॉलिसी तक सीमित नहीं रहे, अपने 10 अलग अलग विभागों के माध्यम से उन्होंने जेंडर बजट को भी प्रस्तुत किया। और जो आज कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, तो मुद्दे की बात ये कि जब उनकी सरकार थी तो जेंडर बजट की दृष्टिकोण से साल 2013-14 का आंकड़ा था 90,000 करोड़, और मोदी की सरकार में 23-24 का जेंडर बजट अगर आप देखें तो वो है 2,23,000 करोड़। ये मुद्दे की बात पर आना चाहते हैं। मुद्दे की बात ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। ड्रॉप आउट रेट 18% था, प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ड्रॉप आउट रेट 1% हुआ, और आज प्रधानमंत्री की जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए अलग से फंड का, जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कहते हैं मुद्दे पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने ई ममता एक कार्यक्रम शुरू किया, ताकि गर्भवती माताएं बच्चे उसके माध्यम से, सरकारी व्यवस्था से उनका बेनिफिट ट्रैक हो सके, कौन वंचित है उस तक हम पहुंच सके। और आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार पोषण ट्रैकर के माध्यम से देश के 7.5 करोड़ बच्चे और 2.5 करोड़ महिलाओं को पोषण अभियान के माध्यम से डिजिटली सेवा पहुँचाई जाती है। ये कहते हैं मुद्दे की बात पर आओ, तो मुद्दा ये कि जब प्रधानमंत्री जी के पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने मां वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जहां महिलाओं को लगभग 1.5 लाख रुपए के माध्यम से, जिनकी एनुअल इनकम थी उनको 4 लाख से ज्यादा की मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी व्यवस्थाओं में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज आयुष्मान भारत योजना के चलते 10 करोड़ गरीब परिवार, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को सुविधा, 24,000 से ज्यादा अस्पतालों में, 1,60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देने वाली सरकार मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण मात्र आज एक चुनावी मुद्दा है, उनसे कहना चाहती हूं, नर्ता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है।